दिल्ली में चलने वाली टैक्सी और बसों में लगे पैनिक बटन को लेकर दिल्ली भाजपा लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। रविवार को दिल्ली भाजपा की तरफ से टैक्सियों के पैनिक बटन दबाकर दिखाए गए, तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने परिवहन मंत्री को चुनौती तक दे डाली। दरअसल उन्होंने ये कहा कि पैनिक बटन लगे होने पर किस तरह का काम करता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली भाजपा लगातार इस मामले को उठा रही है क्योंकि ये सरकार से जुड़ा हुआ एक भ्रष्टाचार है। बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, ये एक बड़ा घोटाला है। परिवहन विभाग ने प्रति टैक्स 9,000 रुपए पैनिक बटन लगवाने के वसूले, जो बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिए गए। अकेले पैनिक बटन लगाने के नाम पर करीब 800 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ। ये कोई सामान्य मामला नहीं है, बल्कि इसमें FIR दर्ज होकर जांच कराई जानी चाहिए। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था अगर उपराज्यपाल की वजह आप सरकार के पास होती तो दिल्ली सबसे सुरक्षित होती। केजरीवाल की टिप्पणी दिल्ली के आरके पुरम में हुए अज्ञात हमलावरों में दो महिलाओं की कथित तौर पर हत्या के बाद आया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदार लोग अपना काम करने के बजाय दिल्ली सरकार पर कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। वहीं बता दें कि आम आदमी पार्टी ने मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि भाजपा देश के अंदर नफरत फैलाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री है। वो देशभर में कभी धर्म के नाम पर, कभी जातियों के नाम पर नफरत फैलाकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, अगर ये नफरत खत्म नहीं हुई, भाजपा को सत्ता से बाहर नहीं किया गया तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। वहीं संजय सिंह ने कहा कि मणिपुर बीते 1.5 महीने से हिंसा की आग में जल रहा है, फिर भी भाजपा शांति केंद्र सरकार के मुखिया चुप है। अब ऐसे में ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि संजय सिंह के इस बयान पर बीजेपी का आगे क्या रिएक्शन रहने वाला है।